कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक छोटा सा पक्षी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उड़ नहीं सकता। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है। ना उड़ने वाले पक्षियों में कीवी की प्रजाति के सिवाय शुतुरमुर्ग और लगभग 60 प्रजातियाँ और शामिल हैं। कीवी पक्षी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है और ये यहाँ का राष्ट्र पक्षी भी घोषित है। भले ही कीवी उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके पंख ज़रूर होते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि इसके शरीर में ही छिपे रहते हैं। अपनी लंबी चोंच की वजह से इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में आसानी रहती है। यह अक्सर कीड़े मकोड़े और फल को ही खाते हैं। कीवियों के संभोग का मौसम जून से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है, क्योंकि इस समय के दौरान इनके पास भोजन की अच्छी खासी मात्रा उपलब्ध होती है। नर कीवी 1.5 साल की उम्र में और मादा कीवी 3 साल की उम्र में सेक्स करने के लायक हो जाते हैं। मादा कीवी के अंदर बच्चा अंडे के रूप में विकसित होता है। बड़ा अंडा होने के कारण मादा का पेट इतना फैल जाता है कि यह जमीन से लगता है। कीवी मादा को अंडा देने में 2.5 महीने का समय लगता है। मादा कीवी एक बार में एक ही अंडा देती है। साधारण कीवी का वजन 1.5 से 3.5 किलो तक होता है। अन्य पक्षियों के विपरीत कीवी के शरीर का औसतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बाकी के जानवरों से 2 डिग्री कम होता है। यह एक गुस्सैल जानवर है और यह निवास स्थान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, जो कि इंसानों की तरह है। इस पक्षी को कीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात को यह कीवी कीवी की आवाज़ निकालता रहता है। इस आवाज़ के कारण ही शुरू में लोगों ने इसे कीवी कहना शुरू कर दिया था और फिर इसे इसी नाम से जाने लगा। कीवी 40 साल की उम्र तक जी सकते हैं, जबकि कैद में रहने से महज ये 30 साल तक ही जी पाते हैं। कीवी सिर्फ एक पक्षी ही नहीं बल्कि एक फल का नाम भी है। यह पक्षी दुनिया का किसी भी चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता, क्योंकि न्यूजीलैंड के सिवाय किसी और जगह की जलवायु इसके जीवन के विपरीत है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। इसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है। दिन के समय महज 2 फीट की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन जब रात होती है तब यह 6 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। पहले यह माना जाता था कि वे ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आकर बसे हैं, लेकिन नई खोज से पता चला है कि यह अफ्रीका से नाता रखते हैं और यह अफ्रीकी पक्षियों के रिश्तेदार हैं। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि कीवी जैसे ना उड़ने वाले पक्षियों का विकास 13 करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन नई ताज़ा खोज से पता चला है कि ऐसा 6 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 52 सॉफ्ट फैक्ट को। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुँचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।